वंडरफुल पीसेस ऑफ एडवाइस लेकर शाह साहब आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं एक और वीडियो के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, पीछे मेरी सारी यूनिवर्सिटी है, ये पीछे इसका बोटैनिकल गार्डन, साथ ही म्यूज़ियम भी है इसको ना, इतना मशहूर म्यूज़ियम है GUM, यहाँ पे गया नहीं हूँ मैं कभी लेकिन बड़ा मशहूर है यूनिवर्सिटीज़ की प्रॉपर्टी, यूनिवर्सिटी की ही प्रॉपर्टी। खैर, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जो घंट यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं 24 के इनटेक में, मास्टर्स की ऑब्वियसली, बैचलर्स के इतने कोर्सेज हैं नहीं यहाँ पे, कोर्सेज की बात हमने कर ली हुई है पिछली अपनी वीडियोस में। तो आज बात करेंगे कि वो स्टूडेंट्स जो इधर आ रहे हैं उनको किन चैलेंजेस का या क्या चीज़ें अपने साथ ले के आनी चाहिए मेंटली तौर पर, या कौन सी ऐसी चीज़ें जिन जो उनको जिससे वो प्रिपेयर हो के आएँ जब वो यहाँ पर आएँ। तो बेटा सॉरी बेटा कह रहा हूँ, तो भाइयों सबसे पहली बात ये आ जाती है और बहनों कि आप जिस यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं ना, ये वन ऑफ़ द मोस्ट टॉप यूनिवर्सिटी है पूरी दुनिया की, ये कोई आम यूनिवर्सिटी नहीं है जिधर आप आ रहे हैं। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि जब आप बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं तो बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा आपको स्टडी के हवाले से भी फोकस करना पड़ता है। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये आपको कोई नहीं बताने वाला, इसीलिए सबसे पहली चीज़ आ जाती है आपकी डिग्री। तो भाई जो डिग्री आप यहाँ पे करने आ रहे हैं उसका अगर कंपैरिजन करेंगे आप अपनी पाकिस्तान की डिग्री से, तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि कोई आपको ये कहे कि यहाँ पे डिग्री करना बड़ा आसान है। ये एक बचपना होगा जो कहेगा कि यहाँ पे डिग्री इजी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी डिग्री आप करेंगे, 2 ईयर डिग्री का प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, अक्सर लोग होते हैं जो फाउंडेशन कोर्सेज़ भी करते हैं 2 साल की डिग्री से पहले, अगर उनकी बैचलर्स के कोर्सेज़ पूरे ना हुए हों, तो 5 चल रही है जो कोर्सेज़ आप यहाँ पे आके पढ़ेंगे, तो जो आपकी यहाँ पे डिग्री होगी उसमें ऑलमोस्ट आपको 15 से 20 कोर्सेज क्लियर करने पड़ते हैं 1-2 साल के अंदर, जिसमें क्रेडिट और जो इनके ECTS होता है वो क्रेडिट और ज़्यादा होते हैं और हमारे क्रेडिट और कम होते हैं। हमारे क्रेडिट और भी कम है तो कोर्सेज़ भी कम है, इनके क्रेडिट और भी ज़्यादा तो कोर्सेज़ भी ज़्यादा, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके साथ साथ आपको थीसिस भी करना पड़ता है, जो कोर्सेज़ लेते हैं 1 साल के तो वो और डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि उसमें 1 साल में आपको कोर्सेज़ ऑब्वियसली कम होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसी साल में आपको थीसिस भी करना पड़ता है, विच इज़ अ वेरी हार्ड वर्क एक्चुअली फॉर द स्टूडेंट्स। या अगली चीज़ है जिसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, भाई यहाँ पर कोई क्विज नहीं लेते आपसे, कोई असाइनमेंट्स नहीं लेते आपसे, यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिकल काम लिया जाता है आपकी, यहाँ पे कोई अटेंडेंस नहीं लेता आपकी, लेकिन यहाँ पे आपको, अभी मैं प्रोफेसर से मिला हूँ तो उन्होंने मेरे, मैं सोच भी नहीं सकता था प्रोफेसर नोटिस करते होंगे, लेकिन प्रोफेसर ने मुझे बताया कि मतलब डिस्कशन दैट आई हैड विद हिम, तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं हम क्लास में, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि यहाँ पर आपको कोई कहेगा नहीं क्लास में आने को, लेकिन हर बंदा आपको नोटिस करता है, प्रोफेसर नोटिस करते हैं, तो आपको बड़ा एक अटेंटिवली अपना कोर्सेज अपनी डिग्री को करना पड़ता है। तो चूँकि यहाँ पे कोई असाइनमेंट नहीं होती है, क्विज नहीं होता, तो आपको जो स्टडीज़ हैं वो साथ साथ लेके चलनी पड़ती हैं, ताकि जो फाइनल है आपका उस पे जाके आपको एक बर्डन ना महसूस हो। अगली चीज़ आती है यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, देखिए यूनिवर्सिटी बेशक टॉप पे है ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि आपको एक यूनिवर्सिटी ऐसी चाहिए कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा काम ना हो, थोड़ी सी आसान हो, तो यहाँ पर वैसा चक्कर नहीं है। लेकिन मैं उन बच्चों को बता दूं कि अगर आपका घंट के अलावा किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है और आप चाहते हैं कि यार हम सिर्फ रैंकिंग देख के आएँ, फिर तो ऑब्वियसली आप इसी यूनिवर्सिटी में आए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लाइट स्टडीज़ को देख रहे हैं, थोड़ा सा इजी माहौल देख रहे हैं, माहौल थोड़ा डिफरेंट देख रहे हैं, तो मुझे लगता है फिर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ आंतूप को कंसिडर करना चाहिए, यूनिवर्सिटी ऑफ VUB को कंसिडर करना चाहिए। लेकिन अगर KU लोवन है या फिर घंट यूनिवर्सिटी है, तो ये यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा टफ़ है और आप इन यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हैं ओवर घंट यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर हम आप मुझसे पूछें कि हम कौन सी ऐसी प्रिपरेशन है जो यूनिवर्सिटी के लिए करके आएँ, तो सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है कि आपके पास अगर टाइम है तो जो कोर्स आप पढ़ने आ रहे हैं यहाँ पर उसको थॉरली देख के आएँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस आ जाते हैं, लोग कहते हैं कि जी कोर्स हमने चेंज करना है, सो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, कोर्स चेंज करना आसान नहीं होता यहाँ पे, अगर करने भी दे दें तो इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम, अगर आप लेट करते हैं तो पूरा एक सेमेस्टर आपका आगे चला जाता है। तो मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा कि जिस कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं उसी कोर्स में एडमिशन लें जो आपको लगता है कि आपको
पूरा कर पाएंगे या आपके लिए आसानी होगी आगे करने के लिए। उसके साथ ही साथ मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आने के से पहले आपको लैंग्वेज के ऊपर बहुत फोकस करना पड़ेगा। जितना भी टाइम है उसको आप अपने लिए उसको लाइक यू कैन यूटिलाइज दैट टाइम, बिकॉज यहाँ पे आके इतना टाइम नहीं होता कि आप डच भी पढ़ें, इंग्लिश भी पढ़ें, अपने कोर्सेज भी पढ़ें, जॉब भी करें। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट जॉब फॉर द स्टूडेंट्स। तो मैं अभी यही आपको कहूँगा कि एटलीस्ट आप जो 4-5-6 महीने हैं जब तक आपका वीज़ा या जब तक यहाँ पे नहीं आ जाते, कुछ ना कुछ लैंग्वेज सीखें, इतनी सीख लें कि आप इंट्रोडक्शन अपना कर सकें, यू कैन कम्युनिकेट, द जेनेरिक कम्युनिकेशन शुड बी देयर। अच्छा, तो बात करें स्टडीज़ की, तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि जो स्टडीज़ हैं भाई साहब वो यहाँ पर बहुत प्रैक्टिकल बेस्ड होती हैं। ठीक है, मतलब आपको प्रोफेसर जो है ना वो बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं करेंगे, लेकिन आपको कोर्सेज को साथ साथ लेके चलना पड़ता है प्रैक्टिकल। यानी जिस दौरान मैं आया था, आते साथ ही इन्होंने प्रैक्टिकल्स पे लगा दिया था, जो कोर्सेज में हम पढ़ रहे थे हमें उस पर, यानी इंस्टेड ऑफ फोकसिंग मोर ऑन द थ्योरी द टेंड टू मोर ऑन प्रैक्टिकल द टेंड टू फोकस मोर ऑन प्रैक्टिकल। या बेशक वो कहीं पे एक्सकर्शन पे आ जाता है, बेशक कहीं आपको कहीं विजिट पे ले जाते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट, क्योंकि मेरी फील्ड ऐसी है, तो दैट डिपेंड्स ऑब्वियसली ऑन द फील्ड दैट व्हाट फील्ड आर यू टेकिंग। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ आ जाती है कि जो आप कोर्स पढ़ रहे हों उसका आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं और उसकी प्रैक्टिकलिटीज़ क्या हैं। तो जहाँ तक प्रोफेसर्स की बात करें, ऑब्वियसली दे आर वेरी वेरी व्हाट डू यू कॉल इट, बड़े आपके साथ तावुन करते हैं, क्योंकि एक तो इंटरनेशनल लोगों के साथ वैसे भी ये लोग तावुन करते हैं, तो इस चीज़ का यहाँ पर नहीं होता कि मतलब कोई आपको डिग्रेड कर रहा है या फिर आपको मतलब दे जस्ट कॉल यू टू योर ऑफिस। हमारे प्रोफेसर्स मुझे लगता है फिर थोड़े से लाइक दे हैव समथिंग इन देमसेल्व्स, लेकिन यहाँ पे दे आर वेरी ओपन टू डिस्कशन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कोर्सेज में, आपको कोई इशू आ रहा है, तो वो दे आर वेरी ओपन टू इट। तो ये एक चीज़ मैं कहूँगा। और जहाँ तक कोर्सेज की बात है, तो जब आप यहाँ पे आप आ जाएंगे तो उसके बाद हम कोर्सेज की रजिस्ट्रेशन और उसके हवाले से भी वीडियो बनाएंगे। मौसम बहुत ज़बरदस्त हो चुका है, ये पीछे आप मेरे देख सकते हैं बिल्डिंग है, पता नहीं किस चीज़ की है। ये पीछे आप हमारी गैंट यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग देख सकते हैं, इसकी मैंने यूनिवर्सिटी का टूर भी मैंने डाला है, देखें वीडियो। और अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर मैसेज करके पूछ सकते हैं, आई एम गोइंग टू रिप्लाई। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डाला हुआ है, कोशिश करेंगे इस तरह की वीडियो मज़ीद आपकी खिदमत में ले के आएँ। बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर है जो आपकी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर तरह का सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पे आपको रनिंग के हवाले से भी, देखें अभी लड़कियाँ मेरे पीछे भाग रही हैं, तो मतलब इट्स रियली नाइस द एटमॉस्फेयर विच लाइक।